Dear students in this module we are going to talk about the crimes in Pakistan Crimes are major social problem in Pakistan with a range of different types of crimes occurring on regular basis The most common types of crimes in Pakistan include theft burglary and robbery as well as more serious crimes such as murder and terrorism तो पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो क्राइम रेट है वो गाहे बगाहे बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता हुआ नजर आता है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जैसे एक तो नेचुरल फैक्टर है कि हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो क्राइम रेट है वो भी इंक्रीज होता है इसके साथ साथ जो आपके लाइफ uh, या लिविंग पैटर्नस हैं Uh, मिसाल के तौर पे अर्बन लाइफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर होती जा रही है और उसकी ओवर की वजह से भी क्राइम रेट जो हैं वो इंक्रीज होते हैं इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके अंदर आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या पॉलिसीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जैसे पावर्टी है पावर्टी की वजह से क्राइम रेट इनक्रीज़ होते हैं uh, इसके साथ साथ जो पावर्टी का एक डायरेक्ट uh, इम्पैक्ट होता है वो आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर होता है तो चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट होती है यूथ के अंदर ख़ास तौर पर और यूथ को जो है वो लेजिटिमेट मीनस अवेलेबल नहीं होते टू एक्सेस द गोल्स विच आर गिवन बाय द सोसाइटी फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी रिक्वायर्स फ्राम यू दैट यू शुड वर्क हार्ड टू गेट हाई फाइनेंशियल स्टेटस तो वो जो हार्ड वर्क की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो माशरे के अंदर पर्टिकुलरली uh, यूथ के एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट uh, में या एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पापुलेशन के अंदर जो है वो अगर उसको एक्सेसबल नहीं है तो फिर दैट वुड अल्टीमेटली बिकम आ सिग्निफिकेंट मोटिव टू इंगेज योर सेल्फ इन टू डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो इसी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ स्ट्रीट क्राइम का इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो है वो नौजवान लोग इन्वॉल्व होते हैं क्राइम इन पाकिस्तान इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट सोशल इनक्वालिटी एंड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी सो देर आर अ रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैकेज़म्स ऑफ एड्रेसिंग क्राइम इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कम्यूनिटी पोलिस एंड ट्रडिशनल डिस्प्यूट रेजोलूशन मैथड्स तो ये सिर्फ और सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर फॉर्मल मैकेनिज़म्स ऑफ कंट्रोल नहीं हैं फार्चुनेटली इन फार्मल मेकानिज़म्स ऑफ कंट्रोल भी मौजूद हैं जैसे आपकी फ़ैमिली है आपकी सोशलाइजेशन है आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी है जिसके ज़रिए इनफॉर्मल मैकेनिज़म्स ऑफ सोशल कंट्रोल जो हैं वो एक्टिव होते हैं और आपके कॉन्शंस या आपके ज़मीर के अंदर जो है एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए इसको इनग्रेन किया जाता है दैट यू शुड नॉट बी टेम्पटेड टुवर्ड्स द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो दैट मस्ट बी आ स्ट्रोंगर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव पैटर्न ऑफ द सोसाइटी हाउ एवर जैसे जैसे माशरे के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाती हैं रिसोर्स लिमिटेड होते जाते हैं और ख़ास तौर पर मीडिया की वजह से जो आपकी मॉडर्न लाइफ है उसकी ग्लैमराइजेशन uh, होती है जो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनती है कि द यू शुड आल्सो अचीव सच अ हाई स्टेटस इन सोसाइटी वायल यू आर नॉट हैविंग द एडिकेट रिसोर्स और एडिकेट मीनस टू एक्सेस द पॉसिबिलिटीज़ तो फिर क्या होता है कि लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होते हैं सो द एफर्ट्स आर अंडर वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ़ न्यू लॉज एंड पॉलिस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ लॉ एन्फोर्समेंट एंड क्रिमिनल जस्टिस इंस्टीट्यूशन तो जैसे जैसे माशरे कॉम्प्लैक्स होते जाते हैं वैसे वैसे जो क्राइम्स होते हैं उनकी नोईयत भी चेंज होती जाती है मिसाल के तौर पर जब से इंटरनेट आया है जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो उस तरह से क्राइम की नोईत भी बदल गई है तो ऐसे क्राइम्स को डील करने के लिए हमें मज़ीद नई पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत होती है जैसे कि साइबर क्राइम विंग का वजूद में आना जो है वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे यहाँ इसके हवाले से पॉलिसीज़ के अंदर ना सिर्फ रिफ़ॉर्म का आंसर मौजूद है बल्कि हम नई पॉलिसीज़ भी लाते हैं ताकि माशरे के अंदर मौजूद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको कम से कम किया जा सके द इशू ऑफ क्राइम इन पाकिस्तान रिमेंस आ कॉम्प्लेक्स एंड ऑन गोइंग चैलेंज रिक्वायरिंग आ कोऑर्डीनेटेड एंड सस्टेंड एफर्ट बाई द गवर्मेंट एंड सिविल सोसाइटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स तो बहुत से ऐसे अवामिल भी होते हैं जिनकी वजह से पोटेंशली ऐसे प्रैक्टिस जो हैं वो क्राइम का हिस्सा बन जाती हैं जो शायद आवाम के या लोगों के जहन के अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से भी वो पॉसिबली वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं मिसाल के तौर पे हम जब रोड सेफ्टी की बात करते हैं रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर लोगों का जो लैकडेक्सिकल बिहेवियर होता है जो उनका सेफ़्टी के हवाले से एटीट्यूड है उसके ऊपर काम करने की अशद ज़रूरत होती है जिसकी वजह से पोटेंशली जो ए, एक ऐसा क्राइम जिसमें आपकी लापरवाही इन्वॉल्व होती है उसको हम टैकल कर सकते हैं तो अवेयरनेस कैंपेन्स रन की जाती हैं इस तरह के पोटेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए जैसे रोड एक्सीडेंट्स हैं या ड्रग एब्यूज़ है या इस तरह के जो बाक़ी विक्टिमलेस क्राइम होते हैं उनको भी रोकने के लिए अवेयरनेस कैम्पेंस रन की जाती हैं तो ऑन द होल इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू के आप देखें कि रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान में क्राइम रेट का इंक्रीज जो है वो किन किन शोबों के अंदर हुआ है और पीछे उसके पीछे क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर क्राइम हिस्टोरिकली एक पर्टिकुलर पैटर्न uh, को अडोप्ट करते हुए या एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिफ़्लेक्ट करते हुए एक इंक्रीजिंग पोजीशन की तरफ़ गया है